महाराज यही चिंता है जो हमें चैन से जीने नहीं देती, रहने नहीं देती है। इतने दिन हो गए हमारे घर किसी संतान ने जन्म नहीं दिया। रोने लगी है आज रानी, महाराज कहने लगे रानी पागल हो, क्या करें इसमें हमारा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और तुम चिंता व्यर्थ में करते हो, चिंता नहीं करो क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है बल्कि इंसान की उम्र घटती है चिंता करने से। रानी कहने लगी महाराज चाहे घर में कितनी भी धन दौलत हो, जब तक उस घर में कुछ छोटा सा बालक नहीं होता है तब तक वो धन दौलत कभी शोभा नहीं देती। आज रानी रोने लगी है और कहती है महाराज कहने लगी रानी चाहे कितनी भी धन दौलत हो घर में, जब तक एक छोटा सा बालक नहीं होता है तब तक उस आंगन में कभी शोभा नहीं होती क्योंकि हर एक चीज अपने जगह पर बड़े मायने रखती है। रानी रोने लगी। आज महाराज ने एक बात कही रानी रो नहीं, चिंता करने से कभी दुख दूर तो नहीं होगा, चिंता करने से सिर्फ इंसान की उम्र कम हो जाती है। और जैसे ही कहा तो आज महाराज कहने लगे ऐसा कर चली जाओ बाग में घूमने के लिए। और थोड़ी देर घूमे आइयो बाग में तो तुम्हारा मन जो है थोड़ा बहल जाएगा। आज रानी ने सखियों को बुलाया और सखियों के साथ में वो रानी चल देती है बाग। और जैसे ही बाग में पहुंची उस बाग की सुंदरता को देखा तो रानी उस बाग की सुंदरता को देख करके सारा दुख भूल गई। थोड़े समय के बाद उसी बाग में तेजी से आंधी तूफान आ गया, शेर दहाड़ लगाने लगा और हाथी चिंगारने लगा। रानी ने जब आवाज सुनी दोनों कानों को बंद किया, आवाज लगाई अरे इस जंगल में कोई है तो हमारी रक्षा कर। साथियां बिछड़ साथ सखियां जो आई थी उन सखियों से रानी बिछड़ गई। उस जंगल में और तो कोई नहीं था, एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। और उस राक्षस ने जैसे ही देखा रानी को मन में विचार करने लगा रानी तो सुंदर है लेकिन पतिव्रता है, अगर हम राक्षस के रूप में गए तो श्राप दे करके भस्म कर दे। आज मेरे भैया महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और पहुंच जाता है सामने वो दुर्मिलक नाम का राक्षस। और जैसे ही देखा कहने लगा रानी रो नहीं, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
और जैसे ही कहा आज बोली वाली रानी नहीं समझ पाई कि हमारा पति नहीं बल्कि राक्षस है। रानी बोली महाराज अरे हम तो तुम्हें घर पे छोड़ के आए थे लेकिन तुम यहाँ कैसे आए। दुष्ट कहने लगा रानी जब तुम घर से बाहर चली आती हो तो हमारा मन नहीं लगता है इसीलिए हम चले आए। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया आज आगे बढ़ कर उस दुष्ट ने रानी की कलाई को पकड़ा और अंदर बाग में ले करके जाता है। उस बाग में घूमता रहा मेरे भैया उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और जैसे ही राक्षस के रूप में जब आया और रानी ने जब देखा क्रोध में आकर के रानी कहने लगी है ओरे पापी।